हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हों, खुश हों, स्वस्थ हों। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो फ्रेंड, घर आ गए थे हम कल माता वैष्णो देवी के दर्शन करके। तो कल भी हम दिन में 1 बजे आए थे और आते ही इतना मतलब आराम सा मिला नहीं अभी। आते ही पहले तो काम वाम में लग रहे, फिर रात को जो हमने पूजा वगैरह करी, गाय जिमाई, तो ये सब में लग रहे। और अभी भी ना शरीर ऐसा हो रहा, मतलब बुखार वाली फीलिंग हो रही, हाथ तो पैरों में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो 10 बजे पर यही है, हल्का फुल्का कर रहे, आराम कर रहे, कर रहे, आराम कर रहे, तो ये हो रहा। तो जी अभी ऐसे नहीं बोल सकते कि बिल्कुल स्वस्थ है, तो ये दिक्कत हो रही है अभी फिलहाल। तो जी 10 बज गए हैं, बच्चे तो अभी सोए रहे और तन्नू का हो गया कोल्ड, बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रहा। रात ही मैंने अदरक वाली चाय दी थी बना के और अभी भी उठी नहीं, कह रही मम्मी हालत बहुत ख़राब हो रही और मेरे हाथ तो पैरों में दर्द हो रहा। बस तन्नू के पापा हैं जो मैं कह रहे हैं कि अब तो मैं ठीक हूँ, बाकी हमारा तो अभी भी हो रहा। तो जी पर यह है, अपन धीरे धीरे वो करके लाइट आ गई और कपड़े हो रहे बहुत सारे, क्योंकि 4-5 दिन के कपड़े हो गए जो वहाँ लेके गए थे सारे नए नए कपड़े, तो उन सब कुछ धुलाई करनी। लाइट आ गई, मैंने पानी गर्म होने रख दिया, क्योंकि थोड़े से गर्म से पानी में दूँगी, कुछ मशीन से धोऊँगी, कुछ हाथ से धोऊँगी, तो सारे कपड़े निमट जाएंगे। ये तो घर में पहनने के हैं सारे, सबसे ज़्यादा काम है कपड़ों का, सबसे ज्यादा काम है कपड़ों का। कपड़ों का लग रहे हैं, मैं तो सारे कपड़े संभाल कर रख दिए थे, धो दूंगी, क्योंकि कुछ तो गर्म कपड़े हाथ से ही धोगी और कुछ मशीन में धो दूंगी, तो क्या धोलेगा, क्या क्या रहेगा। इतना ठंडा पानी हो रहा कि बिल्कुल सरफ भी घुलने वाली। और भाई पहले मैं ना वंश का दूध बना दी, क्योंकि बच्चे ना आज लेट उठे और तन्नु की बनाऊंगी मैं चाय, अदरक काली मिर्च इलायची डाल के, क्योंकि उसका हो रहा कोल्ड बहुत ज्यादा, गले में भी खराश हो रहा है, प्रदूषण की वजह से हो रहा है, प्रदूषण बहुत ज्यादा हो रहा है उसकी वजह से भी हो रहा है। और कुछ भाई वहां से सफर में आया कुछ उसकी वजह से हो रहा, तो बस पहले चाय दे दो बना के। लाइट चली गई, कपड़े में डाल लेते मैंने मशीन में धुलने के लिए, लेकिन बीच में लाइट में धोखा दे दिया, तो लाइट क्या सही है। अभी मैं बीच में एक बार चक्कर ढंग तो रोस्ता लगा के आऊंगी, ढंग तो ला के आना, लेकिन लाइट आने के बाद चल भाई खदा तेरे में लग गया, अब तो बंद होता है। तनु ये रख दो क्या, गिर ना जा, ध्यान रखिए, ठीक है? पी ले। क्या हो गया था? तेरा सोल आया था सुबह, इतनी ठंड लग रही थी, मुझे स्टोल तार का फेंका, फिर मुझे इसी सोल में आराम सा मिला, गर्म सा, और मेरे सारे अभी बेड में अंदर पड़े सोल, तो मैं तो फिर इसी का सोल उठाओ। मारे मम्मी भी पड़ी दवाई खाई थी सुबह, अब तो आराम सा है ना, अब तो कुछ आराम सा। हाँ एक सारा जड्डो यही हाल रहेगा सबका। लाइट आ गई, चल। और कपड़े जो मशीन में धोने थे वो तो मैंने मशीन में डाल ही दिए थे, बाकी जो हमारे नए ऐसे सूट थे जिनका कलर भी निकलता था, तो वो कपड़े तो खैर मैंने मशीन में नहीं डाले थे, अस्तर वाले हैं, थोड़े से बारीक कपड़े के हैं, तो वो मैं अपने भी और तन्नू के
तो वो सारे मैं हाथ से धुल के डालूंगी। कुछ वाइट सोल है, कार्डिगन है, बहुत से कपड़े ऐसे हैं जो सिर्फ हाथ से धोंगे और इजी से मैं उनको धोती हूँ। तो जी ये सारे मैं हाथ से साथ के साथ धो करके डाल दूंगी। वैसे थोड़ा सा गर्म पानी हो ना तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से हो जाता है। 2-3 मिनट बाल्टियों में टप में पानी का रखा, क्योंकि कुछ सूट तो ऐसे हैं जिनमें वाकई ही कलर निकल रहे हैं। एक तन्नू का सूट है पर्पल और एक मेरा सूट है, और जो मेरा एक येलो सूट है उसमें भी कलर निकला। तो इसीलिए सारे कपड़ों को बड़े ध्यान से धोना पड़ा, क्योंकि कितना भी कलर निकले, वैसे कच्चा हो, मशीन में आप डाल दोगे ना, सारे कपड़े बिल्कुल एक ही रंग के हो जाएंगे। फिर इतने भयंकर वाले रंग चढ़े कि कितना भी साफ कर लो वो फिर रंग उसमें से दूसरे कपड़े में से निकलता नहीं है, तो इतने ज़्यादा कलर में हो जाएंगे। सारे कपड़े मैंने अच्छे से कर लिए हैं, अब इनको मैं मशीन में सुखाऊंगी, तो भी अलग कर करके ही सुखाऊंगी, एक जगह नहीं सुखाने की। जब पहले तो मैं जितने वाइट कपड़े हैं वे सुखाए मैंने, और बाकी फिर बाद में कलर वाले कपड़े सुखाए। छोटे मोटे कपड़े तो मैंने सारे खाट पे डाल दिए सुखाने के लिए कि इस पर सूख जाएंगे, क्योंकि सोक्स हैंगी वगैरह ये बहुत सारे हो रहे थे इकट्ठे, और बाकी कपड़े मैंने सब तार पर डाल दिए। अब धूप लगानी ज़रूरी हो, गर्मी में तो हम अंदर की तरफ ही डाल लें, लेकिन सर्दियों में तो धूप लगानी बहुत ज़रूरी है। और धूप भी अब ऐसा हो रहा, मतलब बस थोड़ी सी देर कोई दिखाई सी दे हाँ निकली सी, वरना पूरे दिन बरामदे पर छाया रहने लगी। जब धूप की ज़रूरत हो ना, जब धूप नहीं आती, बाकी तो पूरा गर्मी इतनी चिलचिलाती धूप निकलेगी। और अब जब कपड़े उपड़े सुखाने हो, जब धूप की ज़रूरत हो, तो तब धूप नहीं आती। लेकिन चलो है थोड़ी बहुत तो लगी। भाई मम्मी ने ना अपने कुर्ते दिए थे सिलने के लिए, कितने दिए थे? 3 दिए, दिखे थे? तो भाई वो एक तो आ गया सिल का, यो है गर्म और एक ठंडा, रे गर्म हो रहा है। तो वे ना मम्मी को बाल कैसे हो रहे रही भूतड़ी से, आज सिर धोया था तेल लगानी। तो भाई यो ना वे एक कुर्ता सिल का देख गए, इनके से पहन के देख लो, जो सही होगा तो फिर बिल्कुल इसी फिटिंग का मैं दो और सी दूंगा। तो खैर इसमें जोड़ सा कैसा आ रहा है या ऐसा? अच्छा इसमें आ गई इनको गोरी बाजू। हाँ हाँ तो कह रहा था जो कसर मसर हुई तो बता दियो, तो और फिर बता दियो दो और भी सीन दे। नहीं ढीला है तो खूब ठीक है, तो इसके ऊपर पहना कर हाँ इसी नाप का सी दो, हाँ मगर गर्म है फिर तो जाड़े जान लग रहे, जल्दी सी दो। अब वे भी थोड़ी देर रुके रहे, नहीं देख लेते जब भी चले जाते, साथ के साथ बता भी देते उन्हें। बेचारा कितना भला देखे बैठा पिट हो जाए इससे। ओ देखे पिट तो रहा, देखे ए ए ए हाँ टूट जाएगा, इतना कौन ना घुसा हुआ ए मर। अभी वीडियो बंद करो, अभी देखियो कर तो दी, अब फिर भी बैठा है तो। तनु आज तो तेरे पापा से याद कर रहे थे नुगारते, जब तनु छोटी सी थी ना, और सोनम मर के घर जा कर रहती अपनी दीपा ताई के घर, तो सोनम को नुगा करती नम नम दीदी। तो भाई इधर चाय तो बिल्कुल बन गई और अच्छे से खदका भी दी मैंने, इधर मैंने दूध मीठा कर दिया तनु को, तो दूध चाय और बाकी वंश प्रियांश और बाकी सब तो खैर दूध ही पियेंगे। ले बहुत जल्दी करके पिए, गरम गरम ही आराम करेगी वंश, तो भी जल्दी बहुत जल्दी खड़ा होता, मैं दूध लेकर आ रही है एकदम। हाँ ये मेरा बच्चा कैसे देख रहा मेरे मेरे बाल, परेशान हो रहा। हाँ चलू हाँ, और मैं तो इसे लेकर जा रही है, तो बेचारा परेशान हो रहा, आ जा। हाँ मैं जा रही ट्रॉफी को लेकर, चलो ट्रॉफी आओ। चलिए फ्रेंड मैं भी चलती हूँ, इसे खाना उना देती हूँ, दूध देती हूँ, वैसे तो मैंने एक बार दूध पिला दिया पर फिर भी ना इतना मिल जाएगा देख के। अभी चलती हूँ मैं भी, तो वीडियो को रोकती हूँ मैं, यहीं पर मिलेगा आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप लोग भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, चैनल को लाइक करते रहिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।